तो दोस्तों, मैं हूँ आपका ऑलराउंडर एक नई वीडियो लेने आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है होंडा CBR 150 की। हम बात कर रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे थे इस बाइक की। तो होंडा ने इस बाइक को बहुत जल्दी लॉन्च करने वाली है, जो कि अब हम देखते हैं इस बाइक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, सबसे पहले चीज़ तो मैं सॉरी माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि ये वीडियो मुझे अभी इसकी इन्फॉर्मेशन मिली है तो मैं तुरंत बना पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इसमें फेस नहीं आ पाया या जैसे भी आएगा इन्फॉर्मेशन आपको मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना है तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहली जो चीज़ ये है कि वो ये है कि इसके अंदर जो अब आपको पावर मिलेगी वो ये पावर मिलेगी आपको 17.1 BHP की पावर मिलेगी एट ए रेट 9500 RPM में, जो कि काफ़ी बढ़िया है। टॉर्क जो इसके अंदर आपको मिलने वाला है वो मिलने वाला है आपको 14.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा 6500 RPM पर। बाइक के अंदर आपको 6 गियर मिल जाएंगे, लिक्विड कूल इसके अंदर आपको मिल जाएगा, जो कि इस काफ़ी अच्छी बात है। काफ़ी ज़्यादा लोग डिमांड भी करते हैं कि 150 cc के हिसाब से इसके अंदर लिक्विड कूल भी मिलना काफ़ी सही रहेगा। बात करते हैं अगली चीज़ की, कि इसके अंदर अब आपको मिलेगा FI तो इसके अंदर आना ही आना है, और BS6 इंजन आपको इसके अंदर मिलेगा, जो कि और भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड होने वाला है, जो कि हमेशा से होंडा का इंजन रहता है। अब इसके अंदर मीटर कंसोल, इसके अंदर अब आपको पूरा फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिलने वाला है, जो कि और भी ज़्यादा अच्छा, क्योंकि पहले जो आता था वो एनालॉग प्लस डिजिटल आता था, जो कि लोगों को उस टाइम पे पसंद आता था, लेकिन अब तो खैर नहीं आता, तो डिजिटल ही आता है। इसके अंदर आपको सबसे अच्छी चीज़ ये मिलेगी कि आपको इसके अंदर SR लाइट मिल जाएगी, यानी चारों इंडिकेटर आप एक साथ ऑन कर पाओगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मीटर के अंदर बात करते हैं रियल माइलेज मिल जाएगा आपको कि कितने का आपको माइलेज मिल रहा है, RPM मीटर मिल जाएगा, ट्रिप मीटर मिल जाएगा, क्लॉक मिल जाएगी और गियर इंडिकेटर पोजीशंस मिल जाएंगे, जो कि ओवरऑल देखा जाए तो सही है, एक इतने हिसाब से सही है इसके अंदर। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर आपको जो टायर मिलेंगे वो रेटेड टायर मिलेंगे, जो कॉर्नरिंग में लेटे टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगने वाले, इसके अंदर आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं दिखने वाली है। अब अलग इसकी देखा जाए तो फ्रंट से, जैसे आपने R15 देखी होगी कि फ्रंट में इसमें जैसे दो लाइट्स लगी हुई थी, वैसे ही सेम इसके अंदर फ्रंट इसका वैसा ही जा रहा है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि R15 की तरह मतलब लाइट वैसे ही जा रहा है, जैसे पहले इसमें सिंगल लाइट होती थी बड़ी सी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, आपको इसके अंदर वैसे ही मिलने वाला है। अगला देखा जाए तो इसके अंदर आपको LED मिलेगी, जो कि सही है। और हाँ, सबसे बड़ी बात इसके जो इंडिकेटर मिलेंगे वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल मिलने वाले हैं, फ्लेक्सिबल मतलब आपने देखा होगा जैसे पल्सर के आते हैं वैसे ही आपको इंडिकेटर मिलेगी, जो कि आपको इसमें कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो करना आपको लिखा है वहाँ पर खराब करो, क्योंकि हमसे मांगने की हम खराब करें। और मेरा और चैनल है राहुल ब्लॉग 10 करके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो उसको भी जाकर जरूर सब्सक्राइब करना। तो ओके, बाय।